अब लोगों को लिए लेके आया था पाकिस्तान। तो अब यही है कि सिर्फ पाकिस्तान को तीनों मैच जीतने पड़ेंगे और इंडिया को मैच ये तीनों भी जीतने पड़ेंगे जो उनके एक्स्ट्रा हैं, और फिर पाकिस्तान के चांसेस हैं सेमीफाइनल्स के, फिर आप भी इंजॉय करेंगे, फिर हम लोग भी इंजॉय करेंगे। T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान के दो मैचेस में शिकस्त होने के बाद अब पाकिस्तान के चांसेस थोड़े से कम हो गए हुए हैं। अगर पाकिस्तान तीनों मैच जीतता है तो आपको लगता है कि पाकिस्तान आगे आ सकेगा? हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक जो टूर्नामेंट रहा है वो डिसअपॉइंटिंग रहा है, लास्ट बॉल डिफीट्स हुई हैं दोनों, तो आई थिंक के जो हमें बैटिंग ऑर्डर है वो रीशफल करना पड़ेगा। और जो है जिस तरह पहले मैच में हम अपने देखें तो हमने चौथे पेसर की कमी महसूस हुई, लेकिन दूसरे मैच में हमने चौथा पेसर खिलाया तो बैटिंग डेप्थ का जो है वो इशू आ गया। तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ बैडली मिसिंग जो है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, वो हमें डेवलप करना चाहिए था। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले तीनों मैच जीतेगा, क्योंकि अगले तीनों मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है, जीतेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं जीतेगा। बहरहाल जो आगे इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच होगा ना, क्योंकि अगर इंडिया साउथ अफ्रीका को हराता है तो फिर पाकिस्तान की जगह बनेगी, अगर क्योंकि अगर इंडिया हार गया ना जानबूझ के साउथ अफ्रीका से तो पाकिस्तान की जगह बनना मुश्किल हो जाएगी। अब तो सर हमारे एंड से तो वर्ल्ड कप ओवर हो गया एक लिहाज से, हाँ बाकी जो वर्ल्ड कप का चार्म था वो अब रहा नहीं है। दो कंसेक्टिव मैच हमारे हैं, पहले इंडिया से हारे फिर हम जिम्बाब्वे से हारे, अभी हम पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया से डेविड वेड के हाथों हारे थे वो नहीं थे बोले तो उसके बाद हमें श्रीलंका याद आ जाता है, श्रीलंका अभी भूला नहीं था तो हम फिर इंडिया का मैच आ जाता है वो भी नहीं भूले थे रात को, वो भी याद आ रहा था कि भाई किस तरह। तो अब आगे जिम्बाब्वे का रोग है शायद, अब हाँ ODI T20 जो 2023 में चलेगा उसके बारे में देखेंगे, अब तो निकल गया। ये जो काम हम खुद नहीं कर सके तो दूसरों पे हम उम्मीद क्यों लगाएं, पहली बात तो ये है। तो बहरहाल देखते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे बहुत कम है कि तीन मैच पाकिस्तान इकट्ठे जीते और फिर हम ये उम्मीद लगाएं कि अफ्रीका जो है वो इंडिया को हराए। बहरहाल अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से अदा करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि टीम के अंदर जो डिसिप्लिन पैदा करने की ज़रूरत है वो काफ़ी कम नज़र आया। मेरी रिजर्वेशन शाहीन अफरीदी पर रही है, अगर वो फिट नहीं है फिजिकली तो उसको नहीं खिलाना चाहिए था। जी बिल्कुल, आ सकता है अगर अफ्रीका जो है वो अपने दोनों मैचेस पाकिस्तान से जो इंडिया से हार जाता है तो एक पाकिस्तान के पास जो अगर पाकिस्तान तीनों मैच अगले अपने जीत जाता है तो ऑब्वियसली आ सकता है। इंडिया और अफ्रीका की बात करूँ, इंडिया और अफ्रीका के मैच में आपको लगता है कि इंडिया अफ्रीका को हरा पाएगा और पाकिस्तान की टूर्नामेंट में जगह बना पाएगा कि नहीं? नो, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इंडिया विल लूज। उसकी वजह यह है कि उनका जो बॉलिंग अटैक है वो मुझे लगता है कि अफ्रीका की बैटिंग अगेंस्ट जो है वो बुरी तरह एक्सपोज होगा, सो आई एम नॉट होपफुल कि इंडिया जो है वो हरा सकता है, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। क्योंकि ये पाकिस्तानी से जलते हैं, ये जलने का कहेंगे कि हम हार जाएंगे ये वो, यार हार जीत तो होती रहती है, दिल से खेलना चाहिए, बंदे में जज्बा होना चाहिए कि यार हम पाकिस्तानी के साथ एक बार फिर खेलें और लोगों को दिखाएं कि हम भी यार खेलते हैं, ये जलते हैं पाकिस्तानी से। क्योंकि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, अगर इंडिया जीतेगा साउथ अफ्रीका तक पहुंचेगा ना, अगले तीनों मैच तो पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि इंडिया आप जानबूझ के हारना चाहता है। सर अब तो बात मुसलों तक जा पहुंची ना, उनकी कारकर्दगी से हट के जो है बात मुसलों तक दुआओं तक जा पहुंची, और इस तरह होता नहीं है। इंडिया क्यों हारेगा जो है वो जानबूझ कर उससे, वो साउथ अफ्रीका को मैच दे देगा, इजीली दे देगा। कहते 90% खत्म हो चुका, अब इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा अपने सर पे? सर इस हार की जिम्मेदारी बाबर आजम और चीफ सिलेक्शन, बस और कोई नहीं। अब एक और चांस है पाकिस्तान का क्वालिफाई करने का, इंडिया अपने सारे मैचेस जीते, पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीते और जिम्बाब्वे बांग्लादेश के गेंद सारे। सर ये तो हमें दुख होगा कि पाकिस्तान आगे जाएगा, इनको आगे नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करते। लेकिन फिर भी अब फैन है, किसी का हक मारेंगे अब अगर आगे जाएंगे, पर इनको आगे नहीं जाना चाहिए, अब इनको आगे जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आप क्या उस मैच में जो इंडिया साउथ अफ्रीका का अहम मैच है उसमें इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे पाकिस्तान को क्वालिफाई करवाने के लिए? वो तो लाजमी है, हम कर रहे होंगे। सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए अब हम इंडिया पर डिपेंड हो गए हैं, इंडिया के तीन मैचेस इस वक्त बाकी हैं, अगर इंडिया वो तीनों मैच जीता है तो ही पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच सकेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसी है, आपको पता है पाकिस्तान अभी फिलहाल अपनी बैटिंग साइड से मतलब बाबर आजम और जो बैटिंग ओपनर्स हैं बिल्कुल गंदी, बहुत गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं वो, और इसी तरीके से हम इंडिया के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं। बेसिकली इंडिया जब तक मैच नहीं जीतेगा और पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगा, हमारे साथ अगले जो मुकाबले हैं साउथ अफ्रीका क्या है और नेदरलैंड है, और जो थर्ड टीम है हमारे साथ आई थिंक सो वो जिम्बाब्वे के साथ वो भी हारे हैं, और थर्ड एक और टीम है बांग्लादेश, और बांग्लादेश भी काफ़ी फॉर्म में है टीम, साउथ अफ्रीका भी बहुत फॉर्म में, और पाकिस्तान के लिए बहुत टफ टफ सीरीज़ है उनके लिए।
अगर वो उनको बीट करेंगे देन वो क्वालिफाई कर पाएंगे। और इंडिया मेरे ख्याल से अनबीटेबल जा रहा है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के चांसेस बहुत थोड़े।